जी हाँ, 100% सही है। उनको देखिए, उनके चेहरे को देखिए, क्या आपको सच में लगता है कि उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में दिलचस्पी है? आखिर वो क्यों बना रहे हैं बॉलीवुड फिल्मों और भारतीय नाटकों के ऊपर रिव्यू वीडियो, एक समीक्षा वीडियो? जापानी फिल्में, ईरानी फिल्में, कोरियाई फिल्में हैं जिन्हें ऑस्कर, बाफ्टा आदि जो जीतते हैं, लेकिन ये पश्चिमी यूट्यूबर उस पर कोई प्रतिक्रिया की वीडियो नहीं बनाते। क्यों? पैसा, पैसा, पैसा। यूट्यूब चैनल यूएसए और यूके आदि में पंजीकृत हैं, जहां विक्की विज्ञापन दरें भारत की तुलना में कहीं अधिक हैं। केवल एक चीज और एक चीज जो उन्हें चाहिए, वो है व्यूज। लेकिन व्यूज कैसे प्राप्त करें? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में सब कुछ एक्सप्लोर्ड है। उनके किसी और उनको किसी को भी सामान्य गोरी चमड़ी के चेहरे को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। कोरिया, जापान और ईरान की आबादी कम है, इससे उनको ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलेगा, वहाँ बाजार भी इतना बड़ा नहीं है। तब क्या करें? जापानी भी उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए एकदम समय नहीं देते, उनकी कोई भी रिव्यू फिल्म नहीं देखते। वे जानते हैं कि उनका देश महान है, उनके पास बर्बाद करने का समय नहीं है। तो अब 1 अरब आबादी वाला देश कौन सा बचा? चीन और भारत। लेकिन चीन में कोई यूट्यूब नहीं है, तो केवल भारत बचता है। आइए, भारतीय फिल्में, बॉलीवुड, कॉलीवुड और टॉलीवुड, कुछ भी भारतीय, यहाँ तक कि दैनीय कॉमेडी वीडियो भी यदि रिव्यू कर दिया जाए तो उसके व्यू और पैसा उनको मिलते हैं। 200 वर्षों के औपनिवेशिक इतिहास के बाद हमारे अंदर हीन भावना भरी हुई है, और हमें हमेशा लगता है कि हमको पहचान की ज़रूरत है, हम अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, मान्यता की ज़रूरत है, हमारी फिल्में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम गहराई से जानते हैं कि हम नहीं हैं, हम उनसे बेहतर इन फिल्मों के प्रोडक्शन और सब में नहीं हैं। हमारी बॉलीवुड की 80 से 90% फिल्में थर्ड क्लास की होती है, सब लोग जानते हैं, टॉलीवुड में भी। लेकिन उसके ऊपर रिव्यू बना रहे, आदर्श पैसा कमाने वाले मॉडल भी हमारे पास नहीं, लेकिन वो रिव्यू बना करके हमसे पैसा वसूल कर रहे हैं। वे हमारी प्रशंसा करते हैं और उस रिव्यू में हमारा साथ ऐसा लाड़ प्यार जताते हैं कि जैसे वो हमें बस हमारे लिए ही है ही। इसका मतलब क्या हुआ भाई? वो यही बताना चाहते हैं कि जो आप सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें, तो वो कहता है भारतीय बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये किया, आप सुनते हैं और ये फिल्म बहुत अच्छी है। इसके पीछे आपका पैसा जा रहा है वहाँ पे, यह फेक है दोस्तों। सब कुछ वहाँ की प्रतिक्रियाओं से लेकर के उनकी टिप्पणियों तक सब कुछ लिखा हुआ जाता है, स्क्रिप्टेड होती है। हम जानते हैं कि हमारी फिल्में कैसी है, खास करके बॉलीवुड, टॉलीवुड या भोजपुरी आजकल जो बन रही है। पाकिस्तान के लोग भी आजकल हमारी फिल्मों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और वो भी इस बात को जानते हैं कि भारतीय हमेशा चाहते हैं कि पाकिस्तान से हम श्रेष्ठ दिखें, आगे दिखें, तो उनका भी ये मॉडल बना लिया उन्होंने इस चीज़ को। और पाकिस्तानी भी जो रिव्यू कर रहे हैं उसमें वो बताते हैं कि पाकिस्तान के लोग तो ख़राब हैं, हमारे सरकार के प्रति गलती है, और अपने आप को हीन करते हुए आपके से पैसा लेने के लिए वो आपकी प्रशंसा की वीडियो बना करके आपके सामने रख रहे हैं, और आप दनादन देखते हैं, लगातार देखते हैं, आपका समय फालतू है, तो देखते जाइए, अच्छी चीज़ें तो देखते नहीं, प्रोडक्टिव होती नहीं। बात यह है कि हमारा 70% फिल्में, 70% प्रोडक्शन इस तरह के कचरा होते हैं। बस इस वास्तविकता को हम स्वीकार करके अपने बुलबुले में रहना बंद कर दें और अपना कीमती समय नहीं बर्बाद करें तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। जितने प्रकार की प्रतिक्रिया की वीडियो बन रही है, रिव्यू की वीडियो बन रही है, नकली है, आप उनका उत्पाद मत बनिए। और ख़ासतौर से मैं अपने युवा विद्यार्थियों से, देश के नवयुवकों से, भारत के जो नए बच्चे हैं, नए लड़के हैं, यंग ताकतवर हैं, उनको उनसे निवेदन करूंगा कि गेम खेल करके और इस तरह के घटिया उत्पाद वाली फिल्में देख करके आप अपना समय नष्ट ना करें, अपना ज़िंदगी नष्ट ना करें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। यूट्यूब पर बहुत कुछ अच्छा है, रचनात्मक है, उसको देखिए। विदेशियों को अमीर बनाना आप बंद करिए और खुद को खोखला मत करिए। आपके नेट चार्ज में भी पैसा लगता है, आप जानते हैं, वो पैसा भी धीरे धीरे वहाँ पहुँचता है।
मुझे पता है कि आपको बहुत कड़वा लग रहा होगा मेरी वाणी, लेकिन ये वास्तविकता है। या तो आप इसे स्वीकार करें और या अपने कृत्रिम कल्पना लोक में रहें। निवेदन है बस इतना कि इन मूर्खों का बहिष्कार करिए, बहिष्कार करिए, प्रोडक्टिव बनिए। YouTube पे बहुत कुछ अच्छा है, कुछ उनको देखिए, कुछ उनसे सीखिए, अच्छी चीज़ों को जानिए और उसके पीछे समय दीजिए। जो तथ्य मिल रहे हैं जानकारी लीजिए, व्यर्थ की प्रतिक्रिया वाली वीडियो, कमेंट्री वाली वीडियो इस प्रकार को देखकर, खासतौर से विदेशी लोगों के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं, भारतीय उत्पादों के द्वारा के ऊपर जो विदेशी लोगों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उस प्रकार की वीडियो को आप ना देखें। मेरा इतना ही निवेदन है, बी प्रोडक्टिव, बी पॉजिटिव एंड राष्ट्र का गौरव बनिए। राष्ट्र को आगे बढ़ाने में आप अपनी शक्ति का उपयोग करिए। धन्यवाद।